नमस्कार, मैं हिना रहमान प्रदेश समाचार न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज मैं बरला टिकटा गांव में नईमुद्दीन प्रधान जी के साथ उपस्थित हूं। हां तो प्रधान जी, अपना परिचय दीजिए। हाँ, नईमुद्दीन प्रधान टिकटा गांव। और तो प्रधान जी, आपको कितना समय हो गया प्रधान पद पर? 5 महीने करीब हो गए। 5 महीने अभी। 5 महीने में आपको गांव वालों से क्या समर्थन, क्या सपोर्ट मिला? गांव वालों से सपोर्ट मिला है। विकास भी चल रहा है गांव में, पंचायत भवन में विकास हो रहा है। तो प्रधान जी, पंचायत भवन में क्या कराया आपने? अभी तो काम चल रहा है, पंचायत घर में पलस्तर वगैरह है, पूरा लेंटर वगैरह सब पड़ चुका है। आप नए तरीके से बनवा रहे हैं, पुराना पंचायत भवन नहीं था यहाँ पर? नया पंचायत भवन बनाया है। तो प्रधान जी, आप कितने वोटों से जीते थे? 221 वोटों से। 221 वोटों से जीते थे। तो कुल जनसंख्या कितनी होगी गांव की? कुल जनसंख्या होगी 3-4 हजार के करीब। 3-4 हजार में महिलाओं की कितनी होगी? महिलाओं होंगी 40% मान लो। 40%। जेंट्स की? जेंट्स की 50% मान लो। बुजुर्गों की कितनी होगी? 10% मान लो बुजुर्ग तो। हाँ तो प्रधान जी, ये बताइए 0 से 10 साल तक के बच्चों की संख्या कितनी होगी? 0 से 10 साल के बच्चों की होगी करीब करीब 10% तो होगी। 10% तो होगी। तो प्रधान जी, आपने सैनिटाइजर कराया था? सैनिटाइजर 2 बार कराया गाँव में। 2 बार कराया था। हाँ। वैक्सीनेशन कितनी बार हो चुका है? वैक्सीनेशन फर्स्ट लग चुकी है गाँव में, दूसरी के लिए अभी अप्लाई किया है। तो प्रधान जी, कितनी डोज वो आई थी वैक्सीन? वैक्सीन तो काफी लग चुकी है हमारे गांव में, ऐसी मान लो 20% के करीब रह गई होगी। 20% रह गई। हाँ, 20%। सेकंड डोज के लिए आपने बोल दिया है? सेकंड के लिए बोल दिया है, दोबारा लेने लगेगी। ज्यादातर लोगों के लगी चुकी है? हाँ, लग चुकी है ज्यादातर लोगों के। और वृक्षारोपण कराया था? हाँ, वृक्षारोपण हुआ, पौधे लगाए थे। कितने पौधे आए थे? 3000 पौधे करीब आए थे। 3000 पौधे आपने कहाँ कहाँ लगवाए थे? कुछ तो स्कूल में लगे थे पौधे, कुछ किसानों ने लगाए अपने अपने खेतों पर। आंगनबाड़ी में, स्कूल में, आप पंचायत भवन तो खैर बन ही रहा है अभी, नया बन रहा है ना पंचायत घर, तो अभी इसमें तो लगे ना है। आंगनबाड़ी में लगे, प्राइमरी स्कूल में लगे, किसानों को बांटे, उन्होंने भी लगाए अपने खेतों पर। 3000 पौधे जो भी है आपने लगवा दिए हैं। हाँ तो प्रधान जी, और गाँव के विकास के बारे में क्या कहना चाहेंगे? गाँव का भी विकास तो अभी कमी चल रहा है, अभी बारिश की वजह से रुक गया काम। तो प्रधान जी, आपके आंगनबाड़ी है? आंगनबाड़ी है हमारे यहाँ, आंगनबाड़ी है। आपके घर से कितनी दूरी पर है आंगनबाड़ी? आंगनबाड़ी नजदीक गई। कितने किलोमीटर बैठेगा? 50 मीटर मान लो। 50 मीटर। तो उसमें बच्चों की संख्या कितनी होगी? 40 के करीब। 40 बच्चे हैं, तो 40 बच्चों को राशन मिलता है? 40, हाँ 40-45 बच्चों को आंगनबाड़ी में राशन मिलता है। तो प्रधान जी, क्या मिलता है राशन में बच्चों को? बच्चों को तो वो चावल और गेहूं ही मिल रहा है। अच्छा, वो जो रिफाइंड और वो जो आ रहे हैं, रिफाइंड आ रही है, दाल आ रही है 1 किलो, ये सब मिल रहा है? रिफाइंड है, दाल है। तो प्रधान जी, अब तो बढ़ रहा होगा आंगनबाड़ी में, आपने देखा था? हाँ देखा, आज तो ना बढ़ रहा, आज तो छुट्टी है स्कूल की और बढ़े। तो प्रधान जी, प्राइमरी स्कूल कहाँ है? प्राइमरी स्कूल हमारे घर के ठीक सामने ही है। प्राइमरी स्कूल में कितने बच्चे हैं? प्राइमरी स्कूल में करीब 150 बच्चे होंगे। 150 बच्चों में जो बच्चों को खाना बनता है, सप्ताह की जो सामग्री होती है, किस हिसाब से खाना बनता है और दिया जाता है बच्चों को? बच्चों की सामग्री तो खाना तो बन रहा है, कभी कुछ, कभी कड़ी, कभी को चावल, कभी वो ये बनाया दिया जाता है। जैसे दाल रोटी है, चावल है, दलिया है, पूरी साग है, दूध भी मिलता है, इस तरीके से बच्चों को मिल रहा है? मिल रहा है। तो प्रधान जी, आपने देखा है स्कूल में जाकर? हाँ देखा, एक बार जाके देखा। अच्छा, तो खाना बच्चे खा रहे थे, सही मिल रहा था? खाना सही मिल रहा है, बच्चे जाके खा रहे। तो प्रधान जी, और कुछ कहना चाहेंगे? और कहना अगर जाएंगे यही है कि लेखपाल बिल्कुल सुनवाई करके ना दे रहा, डीलर आज तक हमारे पास कोई दस्तखत कराने ना रहा, डीलर हमारे बताते ना कब राशन बटना है। तो क्या प्रधान जी, कितना राशन मिल रहा है आपके गांव में? हमारे गांव में 4 किलो मिलता है एक यूनिट पे। एक यूनिट पे 4 किलो दे रहे हैं, तो आपने उनसे राशन डीलर से बात की? राशन डीलर से हमने बात करी तो बोला मैं 4 किलो दूंगा, खर्चा पड़ता है ऊपर से।
ऊपर से खर्चा पड़ता है तो मतलब के गांव वालों का हक मार। गांव वालों ने भी बहुत शिकायत करी, चार चार किलो मिल रहा फ्री जो मिल रहा, जब भी चार किलो मिल रहा जो फ्री में तो कोई खर्चा ना आता। गांव वालों की और आपकी बात नहीं मानी डीलर साहब ने? ना, डीलर ने कोई हमारी बात आज तक ना मानी, ना आज तक हम पर कोई दस्तखत कराए उन्होंने। और आंगनवाड़ी से आपको कोई आता है सिग्नेचर वगैरह कराने? हाँ, आंगनबाड़ी तो मान लो केला देवी है, ये आती है केला देवी। आंगनबाड़ी में केला देवी और ये डीलर ने आज तक कोई हमसे दस्तखत ना कराया, सन्नेचर का ही चीज पे ना कराया। हम ही पहुंच गए स्कूल में, देखिए 40-50 के करीब। 40-50? हाँ। उनकी पेंशन कितनी आ रही है? उनमें कुछ लोगों की आ रही है, कुछ की ना आ रही पेंशन। तो प्रधान जी ये बताइए विकलांग कितने परसेंट है आपके? विकलांग तो हमारे गाँव में 5-6 लोग हैं बस। 5-6 लोग, 5-6, उन लोगों के बारे में कुछ सोचा आपने? उन लोगों के बारे में भी कोई कुछ ना सोचा पाई में। 5 महीने हो गए प्रधान जी आपको प्रधान पद पर, आपको सोचना चाहिए। उन्होंने कोई लौट के जवाब ही नहीं दिया, आदमी परेशानी हो दिक्कत आए तो बताएगा, हमें ये समस्या है तो हम कुछ आपके पास अभी तक आए ही नहीं है। उनकी पेंशन आप विकलांग लोगों की भी पेंशन बनवा दीजिएगा, आप उनसे अगर मिले तो बोल दीजिएगा। चलो आप बोल, उनकी नॉलेज में ना हो आप बोल देंगे उनसे विकलांग पेंशन जो आप बनवाना चाहें तो बनवा ले, जो भी होनी चाहिए वो आप पूरे तरीके से कर पाइए। पूरी तरीके से करेंगे उनकी, आप बोल देंगे हम उनसे लोगों से जाके विकलांग वालों से। आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी के बारे में यही है कि 40-45 बच्चे, राशन तो फुल आता है, दाल आती है और रिफंड भी आता है और चने वगैरह आते हैं, मगर उन्होंने आज तक हमसे कोई रिसीव न कराया, वो अपने मन से ही बांट रही है। नाम क्या है उनका? केला देवी है एक का नाम और दूसरी का नाम की मुझे मालूम नहीं है। जो राशन बांटती हैं वो केला देवी हैं? हाँ केला देवी। तो प्रधान जी इसी गांव में रहती हैं? हाँ गांव की हैं सब। तो अभी हम अगर उनके घर जाना चाहें तो मिल जाएंगी? मिल जाऊंगी, घर जाओगी तो मिल जाऊंगी। समस्याएं रख तो रहे बार बार, पूरी नहीं बट रही है। पूरा तो बट ही ना रहा अभी तक, ना राशन बट रहा ना आंगनबाड़ी वाले बांट रहे, ना हम पे आज तक वो रिसीव कराया डीलर ने, इन्होंने अपने मन से काम कर रहे हैं। शिकायत गांव वालों ने हमसे मिलकर करी, हमने वो कही वो मानी ना रही, 4 किलो से ज्यादा देती ना यूनिट पे। तो प्रधान जी आप मुझे ये बताइए, जब आप प्रधान पद पर आए थे तो आपने गांव में बहुत सारी समस्याएं देखी और अभी भी चलती आ रही हैं आपके गांव में समस्याएं, तो अब आप गांव के विकास के बारे में क्या अच्छा सोचा है, आपने क्या करना चाहते हैं? हम सोचते हैं कि गांव का विकास अच्छा हो, सफाई सुथरा ही रहे गांव में, अच्छे लोग कहें कहां अच्छा काम हो रहा है गांव में, यही चाह रहे हैं। कुछ गलियां रह गई हैं बकाया अभी। अब जैसा कुछ गरीब परिवार हैं, बच्चे हैं, तो आपके यहाँ प्राइमरी स्कूल भी है, आंगनवाड़ी भी है दो दो, तो उसके आगे कुछ सोचा हो बच्चों के भविष्य के बारे में कि मुझे हाई स्कूल तक स्कूल हो या इंटरमीडिएट स्कूल, आगे बढ़े बच्चों के भविष्य के लिए? हाँ ये सोच रहे हैं बच्चों के वजह से, अभी प्राइमरी है 5 तक के, जूनियर ही हो जाए, जूनियर से हाई स्कूल भी हो जाए, जगह तो काफी है, कमरे रूम भी काफी बने हुए हैं, सोच तो रही है। तो प्रधान जी कोई पार्क वगैरह या खेल का मैदान ऐसा कुछ नहीं सोचा गांव के विकास के बारे में? पार्क के लिए गांव में अलाउंस करा है, डेंगू जैसे है तो अस्पताल जाकर अपना चेकअप करा, में डेंगू बुखार भी चल रहे हैं, वैसे भी मलेरिया भी चल रहा है। आंगनबाड़ी में और उसमें प्राइमरी स्कूल में नहीं बताया बच्चों को, समझाएं कि मतलब सफाई का ध्यान रखें, कोई भी बस चीज है खाने का, भोजन है या पानी है, खुला हुआ ना रखें? हाँ ये बताया, पानी है, कोई सामान है खाने पीने का, इसे ढक के रखें, साफ रखें इस जगह को। तो प्रधान जी कोई मीटिंग नहीं रखी आपने क्या गांव वालों को इकट्ठा करें और डेंगू के बारे में कुछ लोगों को बताएं कि थोड़ा ख्याल रखें, जो जगह जगह सड़कों पे पानी भरा रहता है उसमें पानी नहीं भरा हुआ होना चाहिए, घर में हम भोजन बनाते हैं तो वो खुला हुआ ना छोड़े, पानी है कुछ ऐसा होता है खुला हुआ छोड़ देते हैं फिर उसी पानी को पी लेते हैं, डेंगू का जो मच्छर होता है वो हमेशा साफ पानी पर बैठता है, अब हमें तो पता नहीं है इस पर मच्छर बैठा है, वो हमने पी लिया हम डेंगू से मलेरिया से पीड़ित हो जाएंगे, तो इस तरीके से आपने समझाया। 2 बार मीटिंग कराई स्कूल में, प्राइमरी स्कूल मीटिंग, जो पंचायत भवन तो नया बनना है ना स्कूल में, 2 बार मीटिंग, ये सबको समझाया गया इस बारे में, साफ सुथरा ही रखनी चाहिए, पानी को खाने की चीजों को ढक के रखना चाहिए, और वैसे गांव के शहरों कोई ऐसी गंदगी भी ना आए, वह ऐसी समस्या ना आए गांव में जो कहीं रोड पे पानी भर रहा है या कोई वो गंदगी है, एक पोखर है गांव से अलग है वो, उसमें तो पानी जाता है सारा।
अब डेंगू की कोई दवाई वगैरह के लिए आपने अप्लाई करा, आई दवा छिड़कने के लिए? दवाई छिड़कने के लिए ना आई कोई अभी तक, अभी नहीं आई। अभी नहीं। तो आपने किसी को बोला नहीं? मेडिकल जाके डॉक्टर से बोला था कि हमारे गांव में दवाई छिड़काई जाए। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि हाँ हम जो टीम को भेजेंगे दवा छिड़कवाएंगे, अभी तक कोई दवा ना छिड़की गई है। तो प्रधान जी, आपकी विधवा और ये वृद्धा पेंशन है, तो जो समस्याएं आ रही हैं, जो रह गए हैं, तो उनकी अभी किस चीज में समस्या आ रही है? उनकी समस्या कुछ ना है, यही आ रही है कि अभी इनके डॉक्यूमेंट सही ना है रे, क्योंकि लेखपाल वगैरह करके ना दे रही है। कितना टाइम हो गया इस समस्या को? इस समस्या को तो अभी मान लो 2-3 महीने हो चुके, दो तीन महीने हो गए है ना। तो उसमें आपने जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र और वो आयु बनवाया होगा, तो लेखपाल सुनते नहीं है, कॉल करते हैं, आप क्या बोलते हैं? हाँ, लेखपाल को हमने कॉल कराया आयु प्रमाण पत्र के बारे में भी, वैसे भी तो लेखपाल ने अभी सुनवाई ना कर रहे। अभी क्या बोल देते हैं? ये बोलते हैं हाँ बन जाएगा, बन जाएगा। कितने दिन में बन जाएगा? अब वो तो टाइम बहुत खींच लिया, अभी बहुत सौ नए लोगों के, अभी कुछ लोगों के आ चुके हैं। लेखपाल जी का नाम क्या है? लेखपाल का नाम नरेश पाल यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? वो अलीगढ़ में रहते हैं वैसे तो, शासनी गेट पर। अलीगढ़ शासनी गेट पर रहते हैं? शासनी गेट पर रहते हैं अलीगढ़। तो उनका नंबर तो होगा आपके पास? नंबर है 84, मिलना चाहिए एक मिनट पे, मगर उसने ना मान के दी किसी की, ना गांव वालों की, ना की धमकी लगा देता गांव वालों को, लेना ले लो ना लेना जाओ अपने घर। तो प्रधान जी, स्कूल प्राइमरी स्कूल जो है उसमें कितने रूम बने हुए हैं? प्राइमरी स्कूल में 8 रूम बने हुए हैं। 8 रूम? बैठने की बच्चों की व्यवस्था अच्छी है? अच्छी है, सब नीचे ऊपर सब पक्का है, पंखे भी लगे हुए हैं, बिजली भी लगी हुई है। बिजली है वहाँ पर? आंगनवाड़ी में है बिजली? हाँ आंगनवाड़ी में बिजली है। तो आंगनवाड़ी में चित्र वगैरह ट्रीटमेंट वगैरह सब पेंट हो चुका है? पेंट हो चुका है आंगनवाड़ी में, चित्र वगैरह सब कर ले। तो राशन से गांव में समस्या है, राशन पूरा नहीं मिल पा रहा है? राशन पूरा नहीं मिल पा रहा गांव में, बहुत बड़ी समस्या है। और डीलर भी ये कमीशन पे बांट रहा है, जो असली डीलर है वो अली रहे हैं, 80-70 साल की उम्र है उनकी। उनका नाम क्या है डीलर साहब का? छोटे खां। अलीगढ़ में किस जगह रहते हैं? अलीगढ़ में बन्ना देवी थाने के सामने रहते हैं। बन्ना देवी थाने के सामने? तो यहाँ गांव में कभी कभी आते हैं? गांव में तो कभी कभार आते हैं वो घूमने। जो यहाँ गांव में राशन संभाल रहे हैं वो, उनका नाम? इकबाल डीलर। इकबाल उनके बेटे हैं क्या? ना उनका ना बेटे, गांव के ही हैं, गांव बिरादर के हैं वो लोग। उनको जिम्मेदारी दे रखी है उन्होंने? जिम्मेवारी दे रखी है। तो वो पूरा राशन नहीं दे रहे हैं, 4 किलो दे रहे हैं? 4 किलो दे रहे हैं, पूरा राशन दे ही ना रहे, वो जिम्मेवारी दे रखी है उन डीलर ने वहां से। तो प्रधान जी, इस माह में आपके सिग्नेचर होने थे और आप अपने ही सामने राशन बंटवाते आंगनवाड़ी में, तो अभी तक आंगनवाड़ी आपके पास आई नहीं है? आंगनवाड़ी अभी तक कोई हमें सिग्नेचर ना हमारे सामने बंटवाया, और डीलर ने आज तक कोई हमारे सामने नहीं बांटा। एक बार शिकायत सुनी गाँव वालों, हम पहुंचे हुए वहां से, कोई रिसीव हमसे ना कराया आज तक कोई राशन। तो प्रधान जी, आपके गांव में विधवा औरतें कितनी हैं? विधवा औरतें होंगी 50 के करीब होंगी। 50 में आप कितनों की पेंशन बनवा चुके हैं? 50 में कम से कम 20-25 की तो पेंशन बन चुकी है विधवा। और पुरानी चल रही होगी? और कुछ पुरानी चल रही है अभी, उसमें 20 की कंप्लीट आ रही है पेंशन? पेंशन आ रही है 20 आदमी अभी तो कम्प्लीट। विधवा औरतें कितनी है? वृद्धा और तो होंगी 40-50 के करीब। 40-50? हाँ। उनकी पेंशन कितनी आ रही है? उनमें कुछ लोगों की आ रही है, कुछ की ना आ रही पेंशन। तो प्रधान जी ये बताइए, विकलांग कितने परसेंट हैं आपके यहाँ? विकलांग तो हमारे गांव में 5-6 लोग हैं बस। 5-6 लोग? उन लोगों के बारे में कुछ सोचा आपने? उन लोगों के बारे में भी कोई कुछ ना सोचा पाई क्यों? 5 महीने हो गए प्रधान जी आपको प्रधान पद पर, आपको सोचना चाहिए। उन्होंने कोई लौट के जवाब ही नहीं दिया, आदमी को परेशानी हो, दिक्कत आए तो बताया, हमें ये समस्या है तो हम कुछ आई नहीं है। उनकी पेंशन आप विकलांग लोगों की भी पेंशन बनवा दीजिएगा, आप उनसे अगर मिले तो बोल दीजिएगा। चलो आप बोल, उनकी नॉलेज में ना हो आप बोल देंगे, प्रमापत्ति न बनना कहेगा, आय प्रमापत्ति न बनना, किसी का मूल निवास प्रमापत्ति बना कर ना दे रहे, लेखपाल की समस्या ज्यादा है। आपके साथ बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत समस्याएं हैं हमारे लेखपाल की तो, और कोई ना गांव की जैसे पंचायत जगह वो कहीं निकाल के ना बता रहा, कहीं पार्क वगैरह बनवाया जाए, आते भी ना, करीब 1 महीने से ज्यादा है, 1 दिन के लिए आएंगे और घंटे 2 घंटे घूमे चले गए। तो कोई पैसे वैसे तो नहीं मांगते? ज्यादातर लेखपालों की समस्याएं हैं कि देखो आय प्रमाण पत्र में तो पैसा तो मांगते हैं लोग, जब जितना जिससे ले लें, 500 भी ले लें, 1000 भी ले लें, और तब भी काम पूरा करके ना दें। ये पता है ना, आयु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 100 रुपए जाते हैं।
आयु प्रमाण पत्र की तो 100 रुपए लिंक कर मामा कराने यहाँ, तो 1000 रुपए क्यों लेते? वो ये उनकी मर्जी है, क्या करते हैं वो अधिकारी लोग, शिकायत भी करी है हमने उनकी। आप ये देखिए देखिए, गांव में कोई महिला है, गरीब है, अगर वो गरीब नहीं होती तो वो विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन क्यों बनवाती है? क्यों बनवाती, सही बात है, गरीब है। अब वो लेखपाल को 5000, 2000, 1000 या 500 रुपए देगी तो वो कहाँ से देगी? कहाँ से देगी, है ना, जायज पैसा ही दे सकती है ना वो। जायज पैसा दे सके, जायज ही ले सकते हैं। इस बारे में आप उनसे बात करिएगा। लेखपाल से मैंने 2-3 बार बात कही नहीं, जायज काम करो, नाजायज काम मत करो, जो खर्चा है वो अपना ले लो, बस पैसा जाता है वो तो जाता है, वो तो देना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं कि जा रहे 200 रुपए आप मांग 1000 रुपए रहे हो, ये गलत है। वो तो उनका तो ऐसे रूल बना रखा है लेखपाल साहब ने तो। और प्रधान जी, कोई और समस्या आपकी, कुछ और कहना चाहेंगे गांव के विकास के बारे में? ना, गांव का तो विकास कराएंगे, और जैसे पैसा आएगा गांव का, गांव की विकास कराएंगे। और गांव में तो हमारे में है ही अभी रोड, 2-3 रोड रह गए जो खिलन जाए, उनपे इंटरलॉक भी छपाएंगे, और बेस और नाले वगैरह हैं, नाले वगैरह सुधार कराना पड़ेगा, और गांव की ग्राम पंचायत की जितनी जगह है वो भी छुड़वाएं। बॉय बार बार कह रहे हैं हम लेखपालों से, गांव की जो गांव की ग्राम पंचायत यहाँ जो आवंटर हैं सरकारी जगह, चरागाह है, फूल बाग है, इसे हमें बताएं कौन सी जगह का चीज है, सब गांव वालों ने जोत रखी है वो जमीन। यहाँ का कब्रिस्तान है या मरघट है, उसमें तो कोई समस्या नहीं? कब्रिस्तान में और शमशान घाट में समस्या यही है कि बरसात के टाइम में मुर्दे को ले जाने के जलाना में दिक्कत आती है, और ना कोई टीन शेड है, ना कोई बाउंड्री है, सब ऐसी पड़ी है। तो इसके लिए आपने ऊपर बात करी अधिकारी? इसके बारे में हमने लिख के भी दिया BDO साहब को मैंने, हमारे शमशान में टीन शेड पड़वाना चाहिए, बाउंड्री करानी चाहिए, कब्रिस्तान में और शमशान घाट में मुर्दा फूंकने में दिक्कत आती है। हाँ जी, बारिश का माहौल है तो वो किस तरीके से करेंगे? हाँ, बारिश के माहौल में कैसा करा जाएगा, जब बारिश हो रही है मुर्दा लेकर पहुंच गए शमशान घाट, तो टीन शेड तो होना चाहिए कम से कम, और बाउंड्री होना चाहिए जो गंदगी ना होनी चाहिए शमशान घाट में। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क, और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।